प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिनिकिया ओडिशा गस्तरे आसी जाजपुर जिल्लार चंडीगुल ठारे 19600 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करिछन्ते। श्री मोदी आणविक शक्ति, तैल और ग्यास, रेलवे, सड़क परिवहन और राजपथ क्षेत्र बहु प्रकल्पर शुभारंभ करिछन्ते। पारादीप विशोधनागारे मनो इथिलन ग्लाइकोल प्रकल्प से उद्घाटन करिछन्ते। पारादीपुर पश्चिमबंगर हलदिया पर्यंत 344 किलोमीटर लंबर पाइपलाइन रो शुभारंभ करी श्री मोदी कहते द्वारा राज्य में विकास नूतन धारा प्रभावित हो भारत पूर्व उपकूल में आमदानी भित्तिभूमि वृद्धि पाई प्रधानमंत्री पारादीप एलपीजी आमदानी सुविधा उद्घाटन करपरी सड़क भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने जातीय राजपथ 49 सिंगड़ू बिंजाबहाल सेक्शन 4 लेन 49 नंबर जातीय राजपथ बिंजाबहाल तिलेईबणी सेक्शन को 4 लेन 18 नंबर जातीय राजपथ बालेश्वर झारपोखरिया सेक्शन 4 लेन 16 नंबर जातीय राजपथर टांगी भुवनेश्वर सेक्शन 4 लेन कार्य को राष्ट्र उद्देश्य से उत्सर्ग कर चंडीखोल ठारे चंडीखोल पारादीप सेक्शन 8 लेन रास्ता निर्माण शिलान्यास कर प्रधानमंत्री। गंजाम जिलार सैंड्स कम्प्लेक्स में समुद्र जलरू मधुर जल उत्पादन शिल्प को उद्घाटन करतीत प्रधानमंत्री चंडीखोल ठारे राज्यर रेल संयोगर आधुनिकीकरण एवं संप्रसारण नहीं बहु प्रकल्पर शुभारंभ कर एक अवसर में श्री मोदी बिजु बाबू को स्मरण करजु बाबू राज्य और देश अतुलनीय अवदान थिला। जो सब विकासमूलक प्रकल्प गुड़िक आरंभ करा राज्य में रोजगार वृद्धि पाइबा सह अर्थनीति को अधिक सुदृढ़ कर श्री मोदी देश में संप्रति एभली एक सरकार कार्य करे उभय वर्तमान और भविष्य कार्यगुड़िक हाथ को ने भगवान जगन्नाथ और माँ बिरजा के आशीर्वाद से आज जाजपुर और ओडिशा में विकास की नई धारा बहनी शुरू हुई है। आज बीजू बाबूजी की जन्म जयंती भी है। उड़ीसा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बीजू बाबू का योगदान अतुलनीय रहा है। मैं समस्त देशवासियों की तरफ से श्रद्धे बीजू बाबू को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आज देश में ऐसी सरकार है जो वर्तमान की भी चिंता कर रही है और विकसित भारत का संकल्प लेकर भविष्य के लिए भी काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम राज्यों को खासकर पूर्वी भारत का सामर्थ्य और बढ़ा रहे हैं। पूर्व भारत को प्राकृतिक संपदर अपूर्व आशीर्वाद रही। ओडिशा रे राज्य सरकार ए सब प्राकृतिक खनि खादानु अनेक लाभवान होशार संसाधन और राज्य को औद्योगिक क्षमता वृद्धि करने केन्द्र सरकार गुरुत्व आसुच्ची श्री मोदी कहते गत 10 वर्ष मध्य राज्य रेल सड़क और गमनागमन क्षेत्र में यथेष विकास घटी प्रधानमंत्री कहते पूर्वी भारत को प्राकृतिक संसाधनों का असीम वरदान मिला है। हमारी सरकार इन संसाधनों को उड़ीसा जैसे राज्य की दुर्लभ खनिज संपदा को इसके विकास के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज गंजम जिले में एक डीसेलिनेशन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इसका लाभ उड़ीसा के हजारों लोगों को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से हर रोज 50 लाख लीटर खारे पानी को पीने लायक बनाया जाएगा। साथियों, उड़ीसा के संसाधन
राज्य की औद्योगिक ताकत और बढ़ाएं, इसके लिए केंद्र सरकार यहां आधुनिक कनेक्टिविटी पर भी बल दे रही है। पिछले 10 वर्षों में इस दिशा में अभूतपूर्व काम हुआ है। उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम पर चंडीखोल ठारे विशाल जनसमावेश को संबोधन अवसर में कांग्रेस को आक्षेप कर प्रधानमंत्री कहते जे गत वर्षगुड़िक तुलन में वर्तमान देशर कार्य संस्कृति जथेष्ट परिवर्तन घटी पूर्व सरकार अमल में कार्य करिबा निर्धारित समय शेष करने क्षमता नथिला फल हजार हजार प्रकल्प अधा पंतरे अवस्था पड़ रही 2014 परे ए सबू प्रकल्प को पुनः कार्यक्षम करने केन्द्र सरकार त्वरित रूपे पदक्षेप ग्रहण कर कांग्रेस को कठोर समालोचना पूर्वक श्री मोदी कहते जे कांग्रेस शासन काल में गरीब युववर्ग और आदिवासी मध्य अविश्वास जन्म देवर्गर लोक जितेबले कि मागती सेतेबले कांग्रेस सरकार से मानु ग्यारंटी मागि थाए बिना ग्यारंटी रे कांग्रेस सरकार किसी देना थाए कि बीते वर्षों में हमारे देश में वर्क कल्चर कितनी तेजी से बदला है। पहले की सरकारों की दिलचस्पी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में नहीं होती थी, जबकि हमारी सरकार जिस परियोजना की नींव रखती है उसे तेजी से पूरा करने का प्रयास भी करती है। 2014 के बाद देश में ऐसी अनेक परियोजनाएं पूरी कराई गई हैं जो अटकी पड़ी थी, लटकी हुई थी और भटकी हुई भी थी। जनसभा उद्बोधन अवसर में श्री मोदी पुनः ओडिशार बरपुत्र विजु पट्टनायक को स्मरण करते यह अवसर में श्री मोदी कहते ओडिशा माटी रे ओडिशार बरपुत्र को स्मरण करिबा अपूर्व सुजोग मिली कार्यक्रम जो विशाल संख्यक समर्थक उपस्थित थे यहाँ देखि प्रधानमंत्री कहते ये विशाल भिड़ ही पूर्व भारतर मनोदशा को स्पष्ट भाव दर्शाऊ एथिरु स्पष्ट होउची आगामी निर्वाचन रे तांको दलर 400 आसन अतिक्रम करिबा संकल्प सिद्धि हेबाकु जाउची यह भारत को विश्वर तृतीय बृहत आर्थिक शक्ति रे गढ़ी तोलिबो बोली प्रधानमंत्री आशा व्यक्त करिछंती। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय मां बिरजा, जय सियाराम। इतनी विशाल संख्या में आपका यहां आना ये पूरब का मूड दिखाता है, उड़ीसा का संकल्प क्या है ये आज साफ साफ नजर आ रहा है। और ये संकल्प है अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार 400 पार का संकल्प भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाला है। 400 पार का संकल्प देश में एक मजबूत और निर्णायक फैसले लेने वाली सरकार फिर एक बार बनाने के लिए है। ओडिशार विकास पाई बीजेपी सरकार अनेक कार्य करिछन्ते गत 10 वर्ष रे राज्य रे अभूतपूर्व निवेश होईछि बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछन्ते पूर्व भारत रे ओडिशा विकसित भारतर मुख्य द्वार भावे गढ़ी तोलिबाकु सरकार प्रयास करुछन्ते ओडिशा आत्मनिर्भर भारत को शक्ति प्रदान करुछि बोली श्री मोदी कहिछन्ते। साथियों, बीते 10 वर्षों से भाजपा सरकार यहां उड़ीसा में
अभूतपूर्व निवेश कर रही है। साथियों, हमारा प्रयास है कि ओडिशा विकसित भारत का भी गेटवे बने। एक प्रकार से ओडिशा विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को ऊर्जा दे रहा है। पाइप से घरों में सस्ती गैस देना हो, सीएनजी आधारित यातायात हो, गैस आधारित इंडस्ट्री हो, इसके बड़े उद्योग ओडिशा में लग रहे हैं। यहां से गैस पाइपलाइन पूर्वी भारत के अनेक राज्यों तक पहुंच रही है। ओडिशा पॉलिएस्टर का भी एक बड़ा केंद्र बन रहा है। सूर्यदेव प्रेरणा मोदी सरकार एबे मुक्त बिजुली देवाकु आउ एक ग्यारंटी देछंती। ओडिशा भगवान सूर्यदेवों भूमि होइथिबारु राज्यवासी एहार फायदा उठाइबाकु लोकंकु आह्वान देछंती प्रधानमंत्री। ओडिशा तो हमारा भगवान सूर्यदेव की भूमि है। सूर्यदेव की प्रेरणा से ही मोदी ने देश को एक और गारंटी दी है, और मोदी की गारंटी है मुफ्त बिजली देने की। घर में मुफ्त बिजली तो आएगी, लेकिन ज्यादा बिजली पैदा होने पर बेच करके कमाई भी होगी। भाजपा सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बनाई है। घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। मोदी ग्यारंटी समावेश लक्षाधिक लोकों समागम होता। बीजेपी नेता कर्मी और जनसाधारण प्रबल उत्साह पर प्रधानमंत्री यह गस्त आगामी निर्वाचन में भल प्रभाव पकाइब एवं ओडिशा रे डबल इंजन सरकार बोली बीजेपी कर्मी माने मतव्यक्त करपरी प्रधानमंत्री शुणापी आसी महिला मैंने बे उत्साहित तो होती। आम महिला मैंने समस्ते खुशी से भरपूर हो मोदी जो बीरजा पवित्र माटी चंडीगढ़ में मोदी आसिक आम बीरजा क्षेत्र में भी उत्साहित करदे मोदी जो आम महिला मानी जो योजना गुड़िक कर बहुत खुशी अच्छा बहुत गुड़े उद्घाटन मोदी जी आसिक आम कले महिला मैंने आम बहुत खुशी है बहुत खुशी भी आम जय मोदी को भोट दे आम जयजुक्त भी कर मोदी सरकार आउ थे आसवे आम महिला मैंने भी बैठक नौ आम महिला मैंने भी संगठन करूँ आम समस्त महिला मैंने एकत्रित आम भी शपथ नहीं चुँ मोदी जी की आउ थे आम फिर आईगे मोदी जी आम एटा भी शपथ करूँ मोदी जी निश्चय आसे हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर बा लीडर हुए तो भारत इतिहास कई देखी नथिले जो भाई भाव में ओडिशावासी को सांत्वना दे संवर्धना देले साधारण लोक मानूँ चिंता कर मेसेज दे लोक मानक विभिन्न क्षेत्र डेवलपमेंट उपर जो मेसेज दे एक अद्भुत प्रकार घटना। जाजपुर जिला केवल नुह उपकूल ओडिशा विभिन्न जिलूर जो हजार हजार लोक ये एकत्रित रुंड है आपको पचार भितर के उत्साह अच्छी उत्साह नहीं आसते आहरी उत्साह मन में भरिक फेरी जहाँ प्रतिफलित हो आगामी जो साधारण निर्वाचन 2024 हो जाए एवं ओडिशा विधानसभा परिप्रेक्षी में निश्चित भाव निर्वाचन प्रस्तुत हो जाए। आम समस्त चाहूँ ओडिशा एक परिवर्तन हो डबल इंजन सरकार हो अबकी बार मोदी सरकार अबकी बार 400 पार।